नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन आवास की प्रोसेस है वह 12 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो चुका है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे, यदि आपको अवकाश लेनी है तो उसकी ऑनलाइन एंट्री आप किस प्रकार से आसानी से स्वयं के स्मार्टफोन से आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाकर के ये टाइप करनी है, edu.cg.nic.in/education-mgmt/login। तो साथियों, यह जो लिंक है इसको आपको सुरक्षित करके अपने पास रख लेनी है, यहाँ पर कहीं पर इसको आपको लिख कर रख लेनी है, क्योंकि यह जो लिंक है आपका हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि इसी लिंक के थ्रू भी आप ऑनलाइन आवास के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस लिंक के थ्रू विजिट करते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, दिखाई पड़ रहा है लॉगिन, यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड। तो साथियों, यहाँ पे आपको उसी मोबाइल नंबर और उसी पासवर्ड का आपको यूज करना है जो आपका सीजी स्कूल पोर्टल में पंजीकृत है, अर्थात सीजी स्कूल पोर्टल में आप जिस आईडी थ्रू और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करते हैं उसी का यहाँ पे आपको उपयोग करके लॉग इन कर लेना है। अगर किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड, इस पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फिर से रिसेट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए हम अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉग इन कर लिए हैं। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सिलेक्ट रोल में सैटरी और गैर सैटरी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको मेनू बार दिखाई पड़ेगा, 3 लाइन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है इम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है अवकाश डैश बोर्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवकाश डैश बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है, जिसमें आपका इम्प्लॉई कोड, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका जिला का नाम, साथ ही यहाँ पर आपके कितने आकस्मिक अवकाश शेष हैं, कितने आपके ऐच्छिक अवकाश शेष हैं, कितने आपके अर्जित अवकाश शेष है, साथ ही आपका अर्ध वेतन या फिर अहुल लघुकृत अवकाश कितना शेष है, और साथ ही आपका पितृत्व अवकाश कितने दिनों का शेष है, ये चीजें आपको दिखाई यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर साथियों अवकाश कैलेंडर भी दिया गया है, जहाँ पर उक्त मंथ में किस किस डेट को अवकाश है उसको आपको ये रेड कलर से इंगित किया गया है, और वर्तमान डेट को यहाँ पे आपको ब्लू कलर से इंगित किया गया है। तो इस प्रकार से छात्र यहाँ पर अवकाश को भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही आप इस कागज के नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ जाएगा कि अगस्त माह में देखिए सामान्य अवकाश और ऐच्छिक अवकाश, तो सामान्य अवकाश कब कब यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएगा, साथ ही यहाँ पे ऐच्छिक अवकाश यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको आवेदन की तिथि भी दिखाई पड़ जाएगी, जिसमें लंबित अवकाश आवेदन, अवकाश के बाद ज्वाइन, अवकाश एक्सटेंशन, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति और अवकाश निरस्त, ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने कोई भी आवेदन अप्लाई नहीं किया हुआ है, इस मामले में यहाँ पर सभी अभी 0-0 से हो रहा है। जैसे ही आगे आगे हम प्रोसेस करते जाएंगे तो यहाँ पर ये संख्या आपको इंगित होती जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि हम अवकाश के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप मेनू बार में जाएंगे तो अवकाश डैशबोर्ड के नीचे में आपको दिखाई पड़ेगा अवकाश आवेदन करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवकाश आवेदन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्लीज रीड केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, जिसमें नंबर 1 कहा जा रहा है कि सीएल मोर देन 8 डेज इज नॉट अलाउड, यानी कि आप आकस्मिक अवकाश है उसको 8 दिन से अधिक नहीं ले सकते। साथ ही कहा जा रहा है नंबर 2 में कि सीएल और ओएल शैल नॉट बी अलाउड टू बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश को आप एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई
उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अवकाश के लिए आवेदन करें, तो नीचे में दिखाई पड़ रहा है अवकाश आवेदन। यहाँ पर देखिए डाउनलोड करें में आपको दो चीज दिया गया है कि आप चिकित्सक का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, और नंबर दो में अर्जित अवकाश के लिए पत्र दिया गया है इस पे क्लिक करके आप अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर शिक्षक साथी हमारा अर्जित अवकाश के फॉर्म के लिए परेशान होते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते हैं कि किसी के पास अर्जित अवकाश का एप्लीकेशन है तो कृपया व्हाट्सएप करें, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आप जरूरत नहीं है। ये दो चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है आवेदन का प्रकार। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो चीज दिखाई पड़ता है, एक प्रकार का अवकाश और एक से अधिक प्रकार का अवकाश। यानी कि एक ही अवकाश लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रकार के अवकाश का चयन करना है, और एक से अधिक अवकाश आप लेना चाहते हैं तो एक से अधिक प्रकार का अवकाश का आपको इस प्रकार से चयन करना होगा और यहाँ से भी आपको जोड़ना होगा। तो चलिए हम अभी केवल एक प्रकार के अवकाश की बात करते हैं, एक से अधिक प्रकार के अवकाश के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया, एक प्रकार का अवकाश चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कारण, तो आपको अवकाश ले रहे हैं तो उसका यहाँ पे आपको रीजन लिखना होगा जिसकी अधिकतम शब्द सीमा है 50। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि तबियत खराब है या आपकी आपका आवश्यक घरेलू कार्य है, जो भी यहाँ पे आपको रीजन लिखनी होगी। इस प्रकार से हमने लिख दिया आवश्यक घरेलू कार्य। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश का प्रकार, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना होगा कि जो आप एक प्रकार का अवकाश ले रहे हैं वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम जो एक प्रकार का अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए यहाँ से आपको अवकाश का चयन करना होगा कि आपका आकस्मिक अवकाश है कि ऐच्छिक अवकाश है कि अर्जित अवकाश है कि अर्धवैतनिक या फिर लघुकृत अवकाश है या फिर वितरित अवकाश है। तो यहाँ से हम चलिए आकस्मिक अवकाश का चयन कर लेते हैं। इस तरह से जैसे ही हम आकस्मिक अवकाश का चयन करते हैं तो यहाँ पे शेष अवकाश में आपकी संख्या दिखाई पड़ जाएगी कि अभी वर्तमान में आपका कितना आकस्मिक अवकाश शेष है। उसके बाद यहाँ से आपको दिनांक चयन करना होगा, तो यहाँ से चलिए हम ये दिनांक चयन कर लेते हैं। इस तरह से यदि आप एक से अधिक दिवस का अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से चयन करना है कि हमारे लिए 2 दिन का लेना है तो यहाँ हम 13 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 2 दिन शो हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे केवल एक ही दिन का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा 12 ही आ जाएगा। इस तरह से 12 से 12, तो यहाँ से आप जितने दिन का आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिनांक चयन कर लेना है से, तो यहाँ पे संख्या भी आपको दिखाई पड़ जाएगी कि कितना दिन का आप अवकाश ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को हाफ डे चाहिए, तो यहाँ से आपको देखिए फुल डे दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। तो जैसे ही यहाँ से आप हाफ डे पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से आपको फिर से चयन करना पड़ेगा कि आपका फोरनून है कि आफ्टरनून है। फोरनून यानी कि दोपहर के पहले ले रहे हैं कि दोपहर के बाद ले रहे हैं, तो दोपहर के पहले के लिए आपको ये फोरनून का चयन करना होगा और दोपहर के बाद के लिए आपको ये आफ्टरनून का चयन करना होगा। तो साथ ही यहाँ पर हाफ डे आकस्मिक अवकाश की भी सुविधा दे दी गई है। और चलिए हम यहाँ से अभी वर्तमान के लिए फुल डे का चयन कर लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में आपका यदि जिस दिनांक को आप अवकाश ले रहे हैं यदि उसके पूर्व कोई हॉलीडे या फिर संडे है तो यहाँ पे आपको इंगित हो जाएगा, और यदि उसके बाद हॉलीडे या संडे है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, तो यहाँ से आपको चयन करके इसको आपको हाँ करना होगा क्योंकि आप अवकाश ले रहे हैं तो उस स्थिति में आप मुख्यालय में उपस्थित नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पर इसको हमने हाँ कर दिया। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश अवधि के दौरान खाली, अब मान लीजिए आप वर्तमान में विद्यालय के संस्था प्रमुख है या फिर प्रधानाचार्य या फिर हेड मास्टर है, तो उस स्थिति में आप अवकाश ले रहे हैं तो आपके अवकाश के दौरान प्रभारी कौन रहेगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा। चलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि अवकाश अवधि के दौरान पता, यानी कि आप जब अवकाश में रहेंगे उस दौरान आपका पता कौन सा रहेगा, उस पता को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से अवकाश अवधि के दौरान आपको पता फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश संबंधित फाइल जिसका अधिकतम सीमा है 10 MB, यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। मान लीजिए कि आपका अर्जित अवकाश है या फिर आपका मेडिकल लीव है या फिर जो भी वितरित अवकाश है उसके संबंध में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको फिलअप करने के बाद आपको ये प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जानकारी दिखाई पड़ जाती है कि कुल अवकाश अवधि दिन में, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हाँ, अवकाश के दौरान प्रभारी का नाम, अवकाश के दौरान आपका क्या पता रहेगा, या यहाँ पर अवकाश का उद्देश्य और रिमार्क भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे आपसे कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फिर क्लिक करके
एडिट पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे प्रविष्ट की गई है वो बिल्कुल सही है, तो सीधा आपको ये फाइनल सबमिट करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको सक्सेस करके दिखाई पड़ रहा है कि अवकाश के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपका आवेदन क्रमांक इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आप इसको पीडीएफ रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म है वह पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप आसानी से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टीमलाइट आवेदन अवकाश के लिए आवेदन करके यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक, साथ ही यहाँ पे देखिए प्रति विकास खंड शिक्षा अधिकारी मजदूरी विषय अवकाश के लिए आवेदन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश का कारण आवश्यक घरेलू कार्य जिसमें क्रमांक एक दिया है, अवकाश का प्रकार जिसमें आकस्मिक अवकाश दिनांक से दिनांक एक दिवस दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति में हाँ है इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है। नीचे में आपको दिखाई पड़ जाएगा बोधी करके, यहाँ पे आपका नाम, आपका पद और दिनांक और समय भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथियों यदि आप आकस्मिक अवकाश लेना चाह रहे हैं तो आपको सारा लगने के पूर्व ही यह आवेदन आपको फिलअप करना होगा। इसके लिए एक आदेश डीपीआई के माध्यम से जारी किया गया था। अब ये देखिए हमने ये ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि आपने जो अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया हुआ है, अब आपको उस अवकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस कार्य के लिए आपने आवेदन लिया हुआ था वह कार्य मान लीजिए आपका संपन्न हो गया या फिर स्थगित हो गया, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको देखा ऑप्शन दिया गया है कि आवेदन कैंसिल करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आवेदन कैंसिल करें के ऊपर, तो यहाँ पर अवकाश आवेदन निरस्त करें इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें आपका क्रमांक, आवेदन क्रमांक, अवकाश का प्रकार, दिनांक से तक, कुल अवकाश दिवस और यहाँ पर आवेदन की स्थिति यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है भी कार्यवाही हेतु लंबित है। साथ ही यहाँ पे आप आवेदन क्रमांक पे क्लिक करके आप अपना आवेदन भी यहाँ से देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम बैक होते हैं और यहाँ पर देखिए हम फिर से आवेदन कैंसिल करे पे आ जाते हैं। जैसे ही हम आवेदन कैंसिल करे के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अवकाश आवेदन निरस्त करे वाला ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अवकाश आवेदन निरस्त करे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। तो जिसे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अवकाश निरस्त करे, तो उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है कैंसल, तो आपको ये कैंसल के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपने अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई कर दिया है, आप उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, चलिए हम यहाँ से कैंसल पे क्लिक करके इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृपया करा लिख कर निरस्त करें, तो यहाँ पे आपको करा लिख देनी है, चलिए हम यहाँ पे करा लिख देने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कारण लिख दिया, उसके बाद हाँ निरस्त करे पे आपको क्या करनी है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही हाँ निरस्त करे पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कैंसल्ड कार्यवाही किया गया है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप कैंसल स्टेटस पे जा करके आप अपने द्वारा निरस्त किए गए आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि निरस्त किए गए आवेदन, देखिए जिसमें आपका आवेदन क्रमांक, आवास का प्रकार, दिनांक से तक, और यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति में कहा जा रहा है कि आवेदक द्वारा निरस्त किया गया। अब साथियों मान लीजिए आपने कोई अवकाश लिया हुआ है, वह आपका सेशन हो चुका है, अब अवकाश के बाद आप सालर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेनू बार में जाना होगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है अवकाश के बाद ज्वाइन करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। क्योंकि साथियों आपने अभी वर्तमान में हमने कोई अवकाश नहीं लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि डाटा नॉट फाउंड। यदि आपने अवकाश लिया होगा उस स्थिति में यहाँ पे आपको जानकारी दिखाई पड़ जाएगी, तो यहाँ पे जो भी जानकारी चाहिए गई है उसको आपको फिलअप करके आगे प्रोसेस करनी होगी। साथ ही यहाँ पे आप ज्वाइन स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना ज्वाइन स्टेटस भी देख पाएंगे। अब मान लीजिए आपने अवकाश तो लिया हुआ है लेकिन उस समय सीमा में आपका कोई भी कार्य कम्प्लीट नहीं हुआ जिसके लिए आपने अवकाश लिया हुआ है, या फिर आपने स्वास्थ्य खराब के लिए अवकाश लिया हुआ है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप अवकाश को एक्सटेंशन भी कर पाएंगे। उसके लिए अवकाश वृद्धि में वृद्धि करें पे क्लिक करके आप अपना अवकाश को वृद्धि भी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि अभी हमने वर्तमान में कोई अवकाश नहीं लिया हुआ है। तो साथियों जैसे ही आप अपना अवकाश वृद्धि करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये वाले ऑप्शन में जाकर के अपनी जानकारी फिलअप करनी होगी। तो साथियों जैसा कि हमने वर्तमान में अभी आप तो साथियों वर्तमान में हमने अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से आप अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश आप उस आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से निरस्त कर सकते हैं। साथ ही आप
कैंसल में जाकर के उस आवेदन को निरस्त भी कर सकते हैं यदि आपको अवकाश की जरूरत नहीं है। तो साथियों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथियों आई होप कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहर जय छत्तीसगढ़।